नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में मौसम बिगड़ने से कई जगह गिरे पेड़, बच्चे और अधिवक्ता समेत 3 की मौत, कई घायल। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का नया प्लान, सरकारी जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर होगा यूनिक नंबर जारी। खराब मौसम से फिर बिगड़ सकती है केदारनाथ समेत 4 धाम की यात्रा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है, जहां पेड़ गिरने से 3 की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में तेज आंधी और तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। तेज आंधी तूफान की जद में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हरिद्वार में पेड़ की जद में आने से 2 की मौत हो गई, वहीं हल्द्वानी में कार पर पेड़ गिरने से 1 अधिवक्ता की मौत हो गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद मंगलवार देर रात हरिद्वार में आए तेज अंधड़ के बाद कई जगह पेड़ गिरने से 4 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। तेज आंधी और झमाझम बारिश के चलते यहाँ के ज्वालापुर स्थित कटहरा बाजार में अंसारी मार्केट के अचानक पीपल का पेड़ भरभराकर गिर गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया और किसी तरह से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 साल के एक मासूम की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि यहां के लालजी वाला इलाके में भी पेड़ गिरने से 2 लोग चपेटे में आ गए, जिसमें सोनीपत से आए एक श्रद्धालु की भी मौत हो गई। आंधी तूफान की वजह से जो 100 साल पुराना लगभग एक पेड़ था, उसके गिरने की वजह से कुछ लोग दब गए थे, जिसमें से 3 लोग को रिकवर किया उसमें और 3 लोग को हॉस्पिटल हम लोगों ने भेजा है। अभी ऑपरेशन हमारा चल ही रहा है, अभी देखेंगे, हो सकता है उसके नीचे दबे भी हों न भी दबे। तो जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो तब तक कुछ बताने की संभावना नहीं। अचानक से जो आंधी तूफान आया, इसमें एक ज्वालापुर के रिहायशी इलाके में यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था, करीब 200 साल पुराना, लोग वहाँ पर आवाजाही भी चल रही थी, कुछ बच्चे और लोग शरण लेके नीचे आ गए। पेड़ गिरने के कारण उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसमें दब गई और साथ ही साथ कुछ बच्चे और ये भी दब गए। 3 लोग को रेस्क्यू करके निकाल के पहले भेज दिया गया था, चूँकि एक पेरेंट्स हैं उनके द्वारा बताया गया उनका बच्चा अभी मिसिंग है 5-7 साल का, उसके लिए लगातार 3-4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर है तो। और अभी आपने जैसे देखा, तत्काल उसको 3 घंटे की मेहनत के बाद से अभी वो जैसा भी भेजा गया लाइव है और उसको अस्पताल तुरंत भेजा गया, तो ये चौथा इंजर्ड था जो अभी निकाला गया। अब किसी की संभावना नहीं, चूँकि किसी ने मिसिंग नहीं बताई है। इसी तरह चमगादड़ टापू के पास भी पेड़ गिरने के पर एक सोनीपत के यात्री थे, उनकी डेथ हुई है, अभी जो रिपोर्ट हुई है। और कुछ हमारे श्यामपुर एरिया में भी पेड़ गिरने के कारण हमारे पुलिसकर्मी लगे थे, वहाँ भी उनको थोड़ी इंजरी आई है। तो लेकिन अभी देखा जाए तो जो मेन यहाँ पर घटनास्थल था ज्वालापुर का, इसमें सभी इंजर्ड को हमने निकाल लिया यहाँ से, और अभी तक किसी की यहाँ से डेथ रिपोर्टेड नहीं है। सर, क्या क्या क्षति हुई है, नुकसान क्या क्या हुआ? अब देखिए, इसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ क्षति हुई हैं, कुछ मकान इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, और बाकी जो देखा जाए तो अभी इसका आकलन तो डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारी टीम है, प्रशासन टीम है, वो पूरा विस्तृत बता पाएंगे। उत्तरकाशी हरसिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। अब हरसिल घाटी में पर्यटक और तीर्थयात्री रिवर राफ्टिंग के साथ हरसिल घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से अलकनंदा एक्सपीडिशन रुद्रप्रयाग की राफ्टिंग कंपनी को अनुमति दी गई है। राफ्टिंग कंपनी ने हरसिल में राफ्टिंग का संचालन भी शुरू कर दिया है। हरसिल घाटी में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भागीरथी में जांगला पुल से लेकर झाला पुल के बीच तक रिवर राफ्टिंग के लिए 3 डेस्टिनेशन चुने गए हैं। आपको बता दें कि यह अनुमति 30 जून तक दी गई है। मेरा नाम राहुल है, मैं अभी हरसिल में हूँ। हरसिल में हम राफ्टिंग स्टार्टिंग किया है, और ये राफ्टिंग स्टार्टिंग करने के लिए हमें उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ के हरसिल में राफ्टिंग कराने के लिए परमिशन अलाउ की है। थैंक यू फॉर उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री एंड उत्तराखंड CM। अब खबर नैनीताल से है, जहां उखलकांडा ब्लॉक की ग्राम सभा पजेना भेटा मटियाली निवासी चंद्रकांत बोगरिया ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। चंद्रकांत बोगरिया ने 75वीं रैंक हासिल की है। चंद्रकांत बोगरिया की इस उपलब्धि से उखलकांडा सहित पूरे नैनीताल जिले में खुशी की लहर है। चंद्रकांत बोगरिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी लखनऊ में उप जिलाधिकारी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो UPSC परीक्षा 2021 में 5वें स्थान पर रहे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर नानकमता से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने BTEC इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण की। खानपुर के विधायक उमेश कुमार के निमंत्रण पर बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत उत्तराखंड अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड में कदम रखते ही वो सबसे पहले हरिद्वार पहुंची, जहां पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद वो काली मंदिर पहुंची और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ माता के दर्शन और पूजन किया। विशेष पूजा के बाद उन्होंने चंडीघाट स्थित दक्षिण काली मंदिर में संतों से मुलाकात की।
आपको बता दें कि कंगना 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में भी वो शामिल रही। आपको बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत और बिंदास अदाकारा देवभूमि के उत्तराखंड से काफी लगाव रखती है, जिसका इजहार उन्होंने पिछले सफर में भी किया था। कंगना 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है। नहीं, पिछली बार मौसम खराब हो गया था तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हम दर्शनों के इच्छुक हैं, फिर से आए हैं, फिर से हम प्रयास कर रहे हैं, तो अभी ऐसा है कि महादेव जी के दर्शन इस बार मिल जाएंगे। मैडम इस बार आए हैं आप, इच्छा भी लेने उनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं, क्या मन में सोच गई है? देखिए, हरिद्वार की यात्रा होती है तो बड़ी ही पावन होती है, इस तरह के विचार होते हैं, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी सीख ले धर्म की, लेके सनातन को लेके, सनातन तो हमारा देखिए कितना अनंत है, उसके बारे में जितना भी हम सुने सोचे समझे उतना ही कम है, तो ये अच्छा जब हरिद्वार में आने का मौका मिलता है, कुछ पुण्य कमाने का मौका मिलता है, तो हम ऐसे क्यों, यही विचार रहते हैं हमारे। देखिए, जो लोग जो फिल्में लोग सराहते हैं, जो लोगों को अच्छी लगती है, तो उसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को उससे जो है किसी ना तरह का लाभ ही होता है, और हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से शिकायत रहती है कि आप जो लोग देखना चाहते हैं या जिस तरह के उनकी रुचियां हैं उस तरह के आप फिल्में नहीं बना पाते हैं, तो आई थिंक अब ये इस तरह की फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं वो शिकायत दूर हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जा रहे हैं फिल्में देखने के लिए। मैं खुद अपना एक डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही हूँ, जिसमें मेरा डायरेक्टोरियल मणिकर्णिका फिल्म में किया था, लेकिन मेरी फिल्म एमरजेंसी आ रही है, जिसको आई होप लोग देखें सराहें, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, और एज अ फिल्म मेकर मेरी एक जर्नी शुरू हो रही है, तो आई होप आप सराहें उसको। धन्यवाद। उमेश जी तो भैया हैं हमारे, और इनकी वजह से हम हरिद्वार आ रहे हैं, और इनकी वजह से हमें जो है यहाँ पे जो भी इंतजाम है सारा इन भैया ने ही किया है, तो हम आभारी हैं इनके और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। जो लोग बैन लगाते हैं, जो बैन करते, देखिए जो सेंसर ने, जो सेंसर जो गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने अगर कोई फिल्म क्लियर की है तो आपको उस चीज़ का अपमान करना या उसका निरादर करना ये सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। संविधान का एक तरह से निरादर होता है, क्योंकि पूरे देश के सामने ये एक अच्छी बात बनके नहीं आती है। चार धाम यात्रा पड़ाव पर अब सुलभ इंटरनेशनल नए शौचालय का निर्माण कर रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर सुलभ द्वारा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शौचालय बनवाए जा रहे हैं, जिससे किसी को भी परेशानी न हो। आपको बता दें कि सुलभ इंटरनेशनल चार धाम यात्रा पड़ाव पर स्वच्छता के लिए लगातार काम कर रहा है। मैडम आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, इस समय आप हट बाजार में हो, केदारनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। मैडम आपको जो यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं, शौचालयों की साफ सफाई कैसी है, या आपसे कोई पैसा या शुल्क वगैरह कुछ लिया जाता है, तो प्लीज़ ज़रा बताएं मैडम। नहीं, बहुत क्लीन रख रहे हैं यहाँ पे, हर 10 मिनट को साफ सफाई जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई शुल्क वगैरह? कोई शुल्क वगैरह अच्छा है, साफ सफाई से संतुष्ट है मैडम? हाँ। थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से आई हूँ। जी जी, ये जो शौचालय बने हुए हैं या सुलभ द्वारा जो साफ सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, आप उस साफ सफाई से संतुष्ट हैं, या कोई आपसे पैसा या शुल्क वगैरह कुछ तो नहीं लिया जाता? नहीं, कोई पैसे वाली चीज़ नहीं है, फ्री है। ये हेलीपैड के ऊपर जो शौचालय बने हुए हैं, साफ सुथरे मिले आपको? आप संतुष्ट हैं, कोई पैसा तो नहीं लिया है? मसूरी कैमल बैंक रोड निवासी माधव भारद्वाज द्वारा आईएएस में चयन होने के बाद मसूरी में खुशी की लहर है। माधव भारद्वाज ने 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 536वीं रैंक हासिल की है और आईएएस अधिकारी बने हैं। आपको बता दें कि माधव भारद्वाज शुरू से ही पढ़ाई में काफी होनहार थे। माधव भारद्वाज ने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में नौकरी कर रहे थे और 2020 में उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू की। वहीं पहले अटेम्प्ट में 3 नंबर से रह गए थे। उन्होंने कहा कि जीवन में कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करती रहनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये सफ़र थोड़ा मतलब इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत मेहनत लगी इस सफ़र में, बट ऑल वेल दैट एंड्स वेल। मैंने क्योंकि ये तैयारी अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी के साथ करी थी, पढ़ाई और नौकरी साथ साथ चल रहे थे, थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक ज़्यादा था। तो जैसे मैं दिन में ऑफिस करता था और उसके बाद मैं रात को कम से कम
6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं वीकेंड्स पे पूरा पूरा पढ़ाई करता था। मैं थोड़ी अपनी छुट्टियां राशन करके रखता था कि एग्ज़ाम से ही जस्ट पहले मैं वो छुट्टियां यूज़ करता था। तो उसके उन दिनों में तो 14-14 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। तो और थोड़ा स्मार्ट वर्क, मतलब मैं क्या दिनचर्या, मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, मैं 10 या 11 बजे उठता था, उसके बाद मैं ऑफ़िस करता था। 6-7 बजे जब ऑफ़िस ख़त्म हो जाता था तो मैं दौड़ने जाता था। उसके बाद डिनर के बाद से मैं रात के 9 बजे से, मान लीजिए आप, 9 से लेकर 4 या 5 बजे तक पढ़ाई करता था। और वीकेंड्स पे मैं सुबह 9 से लेकर रात के 11-12 बजे तक पढ़ाई करता था। और एग्ज़ाम के कुछ दिन जस्ट पहले तो पूरा ही टाइम जितना भी होता था मैं पढ़ाई ही करता था। तो इसमें हर स्टेज पे आपको अलग तरीके से तैयारी करनी होती है। प्रीलिम्स में जहाँ ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आपको तुक्का मारना आना चाहिए क्योंकि आपको सब नहीं पता होगा। फिर जहाँ पर मेंस में आपको इवेंचुअली आपको आंसर लिख के नंबर लेने हैं एग्जामिनर से, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। रुद्रप्रयाग जिले के पश्चिमी भरदार की बेटी कंचन डिमरी का IAS में चयन हो गया है। उनकी कामयाबी पर न केवल शिली गांव बल्कि रुद्रप्रयाग जिले में और पूरे प्रदेश में खुशी की लहर छा गई है। कंचन बहुत ही सामान्य परिवार में पली बड़ी हैं। उन्होंने स्वयं के संसाधनों से इस सफलता को हासिल किया है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले की कंचन डिमरी मुख्यालय से सटे गांव सीली की रहने वाली है। स्वर्गीय घनानंद डिमरी की सुपौत्री और देवी प्रसाद डिमरी की पुत्री कंचन डिमरी के IAS में चयन होने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। कंचन के पिता देवी प्रसाद डिमरी बीते कई वर्षों से दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में सामान्य नौकरी पर है। इस बेटी ने अपनी मेहनत और स्वयं के संसाधनों से सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई है। कंचन ने बताया कि उन्होंने कठिन परिश्रम करते हुए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि मन में दृढ़ संकल्प था और वो अपने लक्ष्य को पाने में जरूर कामयाब हुई है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डिमरी है। मैं रुद्रप्रयाग जिले के स्वीली सिंह गांव से बिलोंग करती हूँ और इस साल की UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में मुझे 654 रैंक प्राप्त हुआ है। मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 3 रोहिणी से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया है किरोडीमल कॉलेज से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही पार्ट है। उसके बाद ही मैंने इस परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया था और आज की सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को, भाई को देना चाहूंगी और मेरे दोस्तों ने भी इसमें मुझे बहुत सहायता की है और आज की इस सफलता के लिए मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। अब खबर रामनगर से है, जहां बुधवार की सुबह मोहल्ला गुलरघटी क्षेत्र में सिंचाई गुल में एक नवजात बच्चे का शव पड़े होने से आसपास के लोगों ने कोतवाली में पुलिस को सूचना दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि सिंचाई गुल में मिले एक नवजात के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी एक नवजात शिशु का शव रेलवे बड़ाव में बरामद हुआ था। कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि दोनों ही मामलों में घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से भी इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंध में जानकारी मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रोड गुल्लागड्डी में सुबह सिंचाई की गुल में एक नवजात बच्चे का शव मिला है और शव को हमने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और आसपास इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जानकारी आई है कि कल शाम वहाँ नहीं था, सुबह कैसे आया है, इस संबंध में इस एरिया के CCTV फुटेज वगैरह देखे जाएंगे। पूर्व में भी एक ऐसा ही नवजात का शव मिला था तो हम इसको जांच करेंगे कि ये कहां से आया है और इसके संबंध में जो भी CCTV देख के या अन्य लोगों से जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में होने जा रहे G20 सम्मेलन के लिए तमाम विदेशी मेहमान उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सभी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर ही मेहमानों को लंच करवाया गया जिसमें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद मेहमानों को परोसे गए। आपको बता दें इसके बाद कड़ी सुरक्षा घेरे में सभी विदेशी मेहमानों को ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने जीरो जोन में घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि G20 बैठक को लेकर उत्तराखंड के लोग काफी उत्साहित हैं। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विकास भवन सभागार में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गिरते लिंगानुपात को सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने PCPNDT के अंतर्गत गठित समितियों में महिला सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 2017 में लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड देश के खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार था, लेकिन आज राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। देखिए, आज रुद्रप्रयाग जिले में हमने स्वास्थ्य विभाग के का पूरे प्रदेश की वर्कशॉप की है, जिसमें कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक दीदी भी हैं और सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आज बुलाए थे। इसका मेन मकसद ये था कि पूरे राज्य में जो लिंगानुपात उसको जो है बेहतर करना है और मुझे बड़ी खुशी है कि इन 5 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आई है, पहले हमारे राज्य में 888 था पर 1000, 1000 लड़कों पे 888 लड़कियां थी,
और आज जो है 1000 लड़कों पे 984 लड़कियां पैदा हो रही हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 927 का है। एक अच्छा हमारे राज्य ने इस पर उछाल लिया है, और जिन जिलों का कम है आज हमने उनकी भी समीक्षा की है और उनको भी एक टास्क दिया है कि आप इस पर निगरानी रखनी है, जिले की कमेटियों को सक्रिय करना है, जो जो लोग इसमें पदेन हैं उनको रिवाइज करना है, और स्टेट पे भी हमको हर 3 महीने में इनकी बैठकें करनी है। तो एक व्यापक अभियान पूरे हम ग्राम सभा से लेके और स्टेट तक इस पर चलाने वाले हैं। 1 महीने का अभियान लिया जाएगा पूरे प्रदेश में। खबर रामनगर से है, जहां आसपास के ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर प्रभावित लोगों द्वारा सरकार और विभाग के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को बंद परिसर में प्रभावित ग्रामीणों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की गई। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही रानीखेत रोड पर मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग अतिक्रमण के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। सारे जो लोग हैं तो लोगों को कल उम्मीद थी कि जो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसका संज्ञान लेकर वन विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग जो अतिक्रमण के काम पर लोगों को उजाड़ा है वो कार्रवाई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री का जो बयान है उसने लोगों के अंदर आक्रोश भर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुलडोजर चलता रहेगा, अतिक्रमण हटता रहेगा, जिससे लोगों में आक्रोश था, और आज मुख्यमंत्री का पुतला यहाँ पर लोगों ने दहन किया है और ये मांग की है कि जो अतिक्रमण के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है उसको तत्काल रोका जाए। और यह भी निर्णय लिया गया यहाँ पर कि कल सारे लोग विधायक दीवान सिंह बिस्सी के कार्यालय में जाएंगे, उनसे निवेदन भी करेंगे, पूछेंगे भी कि इस संबंध में उन्होंने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है और लोगों को कहाँ तक राहत दिलाई है। कल सब लोग वहाँ पर 9 बजे उनके कार्यालय में जाएंगे, और यदि उनका जवाब जो अभी तक उनका रवैया है, अभी तक उनका कोई बयान ना आना, सांसद का बयान ना आना, भाजपा के लोगों का बयान ना आना, उनके प्रतिनिधियों का बयान ना आना, ये दर्शाता है कि वो जनता के इस जब चौतरफा संकट में जनता जूझ रही है उसमें वो जनता के खिलाफ खड़े हैं। तो ये कल तय होगा कि विधायक जी का रवैया क्या है, उन्होंने अभी तक क्या करा, ये हम लोग जानकारी लेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें प्रशासन के खिलाफ जो कार्रवाई चली उसे तत्काल। अब खबर देहरादून के विकासनगर से है, जहां हरबतपुर क्षेत्र में मंगलवार दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यक्ति से 5 लाख रुपए लूट की घटना सामने आई है। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना तब की है जब बुजुर्ग अपने निजी काम के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर बैंक से बाहर निकले थे। बैंक के बाहर घात लगाए लुटेरों ने उन्हें निशाना बना लिया। पूरी घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। पुलिस चोरों की तलाश में जुट चुकी है। और वहाँ दूसरे अपना कागज पत्थर बनवाए, किसी कारण बनावा मेरा, इसलिए हमने 3-4 दिन पहले जमा कर दिए, फिर निकाल लिए, चार महीने जाने पड़ते हैं वहाँ। फिर लड़का बोला भाई अगर वहाँ न देंगे फिर काफ़ी दिनों को जाने किसने देगा, अब तक ले लेंगे उनमें कुछ कहीं भी मिल जाए, साल भर में जमा हुई तो 5 लाख रुपये निकल ले कर मैं बाहर निकल आता। लड़का मेरे साथ देता कहीं कर रहा काम ला जाए ये 5 लाख की रकम कहाँ से आई थी आपकी, काय की थी? किस काम के लिए निकलवाया आपने पैसे? जमीन ले रखी थोड़ी बसने के लिए, उसमें देने देंगे। अच्छा, जिन लोगों ने आपके साथ लूट की है क्या उनको पहचानते हैं आप? आपने रकम निकलवाने से पहले पुलिस को सूचना दी थी? सर, पुलिस हर टाइम में जागरूक करती है, लोगों को जागरूक कर रही है कि ये सूचना देनी चाहिए, आप 5 लाख रकम निकाल कर, तो आपने सूचना क्यों नहीं दी? 1 लाख रुपए से ऊपर अच्छा, कौन से बैंक से निकलवा रहे हो, बैंक कहाँ था वो? PNB। आपका नाम? मेरा नाम शेरदीन। आपका नाम? मजीद। कहाँ के रहने वाले? ग्राम जाट वाला।
पौड़ी में दूसरे चरण के तहत उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मांगों का जल्द समाधान न होने पर डिप्लोमा इंजीनियर 2 जून को देहरादून स्थित सचिवालय का घेराव करेगा। मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर पौड़ी में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया। दस कर दिया गया पहले 10/26 था। एक डिमांड हमारी हो गई है और एक डिमांड में हम मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारा अपर साहब इंत का पद था वो उन्होंने इसमें काउंट कर लिया है, जैसे कि पहले 10/20/30 में लगता था वो 13/20/30 हो गया। ये डाउनग्रेड पे है, हमारा डाउनग्रेड पे डाउनग्रेड गया है। जो हमारा मुद्दा था मेन, पहले रिकवरी चल रही आती हमारी ना, कि पहले 48 था तो वो कैसे कम कर दिया गया 46 का है, मुझे कहा कि चल रहा 4200 कर मैम। मुद्दा हमारा पहले हमें 4600 मिल रहा है और 4200 करने की बात चल रही है। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगी 2 तारीख से। आज हमारा गढ़वाल में है एक दिवसीय कार्यक्रम, कल हमारा गुमाव में रहेगा, उसके बाद हमारा 29 तारीख से एक तक जो है कर्मी कमीशन का कार्यक्रम है एएनसी मुख्यालय परों के भंडार। धरना प्रदर्शन रैली के बाद देहरादून में रैली है, उसमें जो है ना अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। मेरा नाम और पदनाम क्या है सर? मेरा कौशिक अली नाम है, मैं जनपद सचिव पौड़ी गढ़वाल हूँ। अब खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम रुड़की के सभागार में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इस बोर्ड बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ और पार्षद आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। वहीं पार्षद रविंद्र खन्ना ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाया कि पार्षद अपने काम के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं लेकिन उनके काम नहीं हो पा रहे, और पार्षदों ने हर वार्ड में 2 नल और बेंच लगाने की मांग की थी लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही नगर निगम में कमीशन खोरी जमकर चल रही है। विरोध इस बात का था और गुस्सा भी इसी बात का था, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम पार्टी के सिंबल पे जीत के आए हैं। अगर हम लोगों के कार्य नहीं होंगे, वो तो हमारा पर्सनल कार्य नहीं है, हमारे जनता का कार्य, अगर वो भी टाइम पे नहीं होंगे, हमें आश्वासन दिया जाता है 8 दिन में 10 दिन में कार्य पूरा हम शुरू करा देंगे, लेकिन 8-10 दिन का टाइम देख के वो महीनों में निकल जाता है। कार्य शुरू होते हैं तो वो अधूरे छोड़ जाते हैं, ना तो नालियाँ सही से बनती हैं, ना चैनल पड़ता है, ना पाइप लगते हैं, जनता परेशान है। एक आपके द्वारा क्या था पूरा मामला? आपने भरी सभा में आपने भी उन गालियों का रिपीट किया है। गाली का ये था कि यहाँ पे ठेकेदार हैं जो पार्षदों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पैसा मांगते हैं, ये मांगते हैं, या वो मांग रखते हैं सामने, किसी ने जिसने किया हो, जिसके साथ हुआ। हमें लोगों के साथ में एक पार्षद भाई है अंकित चौधरी, उनके साथ में यह अभद्रता हुई है और इसके लिए हमने शिकायत भी की थी सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि उसने एक को ना कहकर सभी को कहा है। और ये गाली कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, किसी को हम गाली देके संबोधित कर रहे हैं तो ये गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई और लगभग 6-7 प्रस्ताव छोड़ करके बाकी सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। शहर के विकास कार्यों में तेजी के लिए निरंतर 2-3 महीने के अवधि के काल के बाद ये बोर्ड बैठक होती है और शहर के विकास में तेजी आएगी, इसलिए आज की बोर्ड की बैठक की गई। कई पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप भी लगाए हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, और कई जो चाहे कूड़े वाला हो चाहे लाइट वाला हो, उसमें क्या? देखिए, भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं होती, और निश्चित रूप से कुछ वार्ड पार्षद, सबको नहीं कहूँगा मैं, 2-3 पार्षद निश्चित रूप से बहुत एग्रेसिव मोड में रहते हैं और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए उनके द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का जहाँ तक विषय है, वहाँ जब तक प्रमाणित ना हो, जैसे नगर निगम की अभी 2020-21 और 21-22 की ऑडिट की रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑडिट की, तो उनके अंदर कुछ बारीक तथ्य साफ प्रकाश में आए हैं शासन द्वारा, जिनकी जांच की जा रही है, और निश्चित रूप से अगर ये भ्रष्टाचार होगा जैसा कि प्रथम दृष्टा प्रतीत होता है, इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी शासन के द्वारा, मैं ऐसा समझता हूँ। हमारे माननीय धामी जी की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जहाँ जहाँ भी खामियाँ पाई जाएंगी निश्चित रूप से वहाँ पर कार्रवाई होगी। हर बार बोर्ड की बैठक में हंगामा होता है, क्या वजह है, ऐसे किस तरह से विकास? देखिए, हंगामा करने वाले कुछ एक लोग हैं, गिनती के पार्षद हैं, उनके द्वारा मीडिया में अपने आप को छाए रखने के लिए, रुड़की नगर की जनता के सामने दिखाने के लिए कि हम आपके लिए बहुत संघर्षशील हैं, जबकि वो कितने संघर्षशील हैं ये नगर निगम बेहतर जानता है। वो सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके से यहाँ पे हंगामा करते हैं, और जो मीटिंग मुश्किल से 1 घंटा चलनी चाहिए थी वो हंगामे में 5 घंटे चली, जिसका मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से परिभाषा और जिस तरीके से भाषा का उपयोग वो लोग करते हैं, सभ्यता के दायरे से बाहर है। आपने भी अहम मुद्दों पर बात? देखिए, जो भी विषय है, मैं तो खास तौर से बात की ऑडिट रिपोर्ट की,
नगर निगम रुड़की की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो शासन के संज्ञान में है और अगर उसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं तो निश्चित रूप से उस समय के जो हमारे अधिकारी थे उन दोनों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मैंने शासन से ही मांग की है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है। मसूरी माल रोड के सौंदर्यकरण और पुनर्निर्माण निर्माण के काम में देरी होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनके व्यापार भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा लोक निर्माण विभाग, ठेकेदार गढ़वाल जल संस्थान विद्युत विभाग, मोबाइल ऑपरेटर और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई। वहीं सभी अधिकारियों माल रोड के कार्यों को लेकर बढ़ती जा रही ढिलाई और कार्य योजना बनाकर काम न करने को लेकर जमकर फटकार लगाई। इस पर निरंतर हमारी मॉनिटरिंग चल रही है क्योंकि माल रोड अत्यंत महत्वपूर्ण एक रोड है टूरिस्ट को लेकर भी और पर्यटन सीजन भी आ गया है। इसमें जो पहले डीवीएम की कार्रवाई तो हमने स्टार्ट खत्म कर दी थी, बट अभी इसमें सौंदर्यीकरण में कॉबलिंग का काम होना है और जो साइड में पेमेंट्स हैं उसका भी निर्माण चल रहा है, तो उसमें कुछ अनियमितताएँ भी सामने आई हैं और मलबा निस्तारण के संदर्भ में भी, तो उसी के क्रम में हमने आज जो संबंधित ठेकेदार हैं और जो संबंधित विभाग के इंजीनियर हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि आपका जो हीप्स या जो मतलब डंप पड़ा रहता है उसको आप एक बेटर तरीके से उसको निस्तारण करें ताकि जितना काम हो उतना ही डंप हो और जैसे ही काम हो वो क्लियर हो जाए ताकि जो लोग हैं जो टूरिस्ट हैं जो दुकानदार हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी संदर्भ में निर्देश दिए। टाइमलाइन है जो इनिशियल टाइमलाइन था वो था ब्लैक टॉप का, वो तो पूरा हो गया था, बट उसके बाद क्योंकि ये जो आगे का काम है वो हो जाना चाहिए था जल्दी, उसमें थोड़ा काम हो रहा है क्योंकि जो कॉबलिंग का काम वो मैनुअल काम होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ कहीं ना कहीं ठेकेदार को और जो संबंधित विभाग है उनको लेबर और जो मशीनरी है उसको बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, बार बार दिए जा रहे हैं और कार्रवाई भी हो गई है ठेकेदार पे, उसी क्रम में आज की बैठक भी की गई थी और इनको ये बोला गया है कि आप जो है अपना मशीनरी और मैन पावर को बढ़ाएं ताकि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए। FIR ठेकेदार के खिलाफ FIR भी कर दी गई है और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी आखिरी चेतावनी दे दी गई है और अगर काम में कोई कोताही होती है तो विभागीय कार्रवाई है तो संस्तुति भी करेगी। देखिए माल रोड की जो स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज नहीं जा रही थी, मैं देख रहा था लोग काफ़ी परेशान भी है। कल माननीय मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया, जिसका आज इफेक्ट है कि SDM साहब ने सारे अधिकारियों की क्लास भी लगाई और उन्होंने बिल्कुल दनके की चोट पर कहा है कि काम इस तरह से हो कि कोई कहीं पर भी अव्यवस्था ना हो और कहीं पर भी माल रोड में मलबा ना दिखे। काम तो मसूरी के हित के लिए हो रहा है परंतु सीजन को देखते हुए जो थोड़ा बहुत अव्यवस्था फैली है उसको ठीक करने की ज़रूरत है और भविष्य में एक सुंदर माल रोड मसूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए व्यापारियों ने कहा था कि 7 करोड़ का काम है, 70 करोड़ का नुकसान है, तो हमने ये इसमें एक बात रखी है अधिकारियों के सामने कि टूरिस्ट सीजन लगभग 4-5 दिन में स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले पहले पूरी माल रोड साफ हो जाए, किसी भी पर्यटक को असुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी दुकानदार को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में सरकार का मकसद सिर्फ ये है कि मसूरी की सुंदरता बढ़े जिससे पर्यटन बढ़े लोगों का रोजगार बढ़े उससे लोगों का नुकसान न हो। अब खबर उत्तरकाशी से है जहां पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध लगातार सख्त रुख अपनाया जा रहा है। प्रत्येक थाने पर नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने रात को दबिश देकर मयंक नौटियाल तस्कर को तिलोद जाने वाले मार्ग पानी की टंकी के पास से 9.50 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पहाड़ों में तेजी से युवा स्मैक के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून से तमाम पहाड़ी इलाकों में स्मैक की सप्लाई हो रही है। पुलिस कार्रवाई तो जरूर करती है लेकिन उसके बावजूद भी स्मैक तस्कर लगातार सक्रिय है। कल जो है कोतवाली पुलिस और SOG और ANDF की संयुक्त टीम ने तिलोद के पास से एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम मयंक नौटियाल है और इसके कब्जे से करीबन 9.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। काफ़ी पुलिस को पिछले कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि तिलोद के पास ये स्मैक का जो व्यापारी है काफ़ी घूम रहा है और काफ़ी लोगों को ये बेच रहा है, तो इससे हमने जो है वहाँ पे हमारी टीम लगाई और उसको उसी टीम को कल जो है सफलता मिली और इसके कब्जे से हमने 950 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। इसकी बरामदगी के आधार पर हमने कोतवाली उत्तरकाशी में 8/21 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। अब खबर नैनीताल जिले के उखलकांडा से है जहां उखलकांडा ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केड़ा गांव में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा के नेतृत्व में जिले के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर सभी विभागों से शिविर में प्रतिभाग करने के लिए कहा गया था। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग ने स्टॉल लगाकर लोगों को दवाइयां बांटी। विधायक ने क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया कि जब भी सरकार स्कूलों का उच्चीकरण करेगी तो सबसे पहले राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केड़ा गांव का होगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी का कुकना के ग्रामीणों के बीच कुकना प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की व्यवस्था न होने पर जमकर बहस भी हुई।
अपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अपने उखलकांडा ब्लॉक के कुकना कैड़ा गांव धैना संकोट पड़ायल से लेकर के पूरे न्याय पंचायत जिला पंचायत क्षेत्र के लोग यहां पर उपस्थित हैं। कैड़ा गांव उत्तर उत्तर विद्यालय में हूँ अभी मैं, और इस स्कूल के पूर्व में इसको हाई स्कूल भी मैंने करवाया था और इसको इंटर भी करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया है। मेरे गांव के लोगों के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा है कि प्रदेश में जब भी पहला किसी स्कूल का आविष्कार होगा तो सबसे पहले कैड़ा गाँव बड़ौन और भीमताल विधानसभा के जो भी प्रस्ताव आएगी उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले कैड़ा गाँव स्कूल का और बड़ौन स्कूल का अन्य स्कूलों का मुझ करेंगे। कई क्षेत्र लंबी वायरस से फैला हुआ है, इसके लिए क्या क्या व्यवस्था? देखिए, मैंने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा हो, धारी हो, रामगढ़ हो, भीमताल हो, सभी जगह पशु विभाग के अधिकारियों की कर्मचारियों की टीम बनवा रखी है। गांव-गांव जा रहे हैं और हर गांव में टीम पहुंच रही है। जहां जहां भी जैसी सूचना आ रही है वहां पर टीम जा रही है, पशु विभाग के अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं और जो जानवरों को जिस प्रकार की भी बीमारी हो रही है और दवाई भी दे रहे हैं, टीके भी लगा रहे हैं। जगह जगह शिक्षकों की कमी है पूरे भीमताल विधानसभा में, तो उसके लिए कैसे देखते हैं? देखिए, हमने सभी इंटर कॉलेजों में और सभी हाई स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी थी उसको दूर कर दिया है। मेरे कैड़ागांव हाई स्कूल में शिक्षक पूरे हैं और हमारे ढोलीगांव में पूरे हैं और वारी में पूरे हैं, भिड़ापानी में पूरे हैं और मुरपुड़िया में पूरे हैं। पूरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के चारों ब्लॉकों में हाई स्कूल में इंटर में शिक्षकों की कमी को दूर किया है और जूनियर और प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों की कुछ कमी है। तो मैं आज से एक हफ्ते पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, पुष्कर धामी जी से और शिक्षा मंत्री जी से भी मिला था। उन्होंने मुझे कहा है कि बहुत जल्दी जो जूनियर और प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाए। अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा में इन दिनों भू माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। भू माफियाओं द्वारा एक पूर्वांचल समाज के व्यक्ति की जमीन को राणा थारू समाज के व्यक्ति से मिलकर अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, जबकि उस भूमि पर 40 वर्षों से पूर्वांचल समाज का परिवार बसा हुआ है। भू माफियाओं द्वारा पूर्वांचल समाज के व्यक्ति की इस जमीन पर डरा धमका कर खरीद फरोख्त की गई और जब व्यक्ति ने डर से जमीन बेच दी तो भू माफियाओं ने उसे फर्जी चेक पकड़ा दिया, जिसके बाद पूर्वांचल समाज के लोगों ने भू माफिया के खिलाफ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनके साथ जितने भी हमारे पिटिशन राइटर्स हैं वो भी मेरे पास आए थे। उनका कहना है कि एक थारू लैंड थी जिसको मंगल कुमार ने सन 1977 में स्टाम्प अपने पास खरीद लिया था, लेकिन उसकी हाल में ही विरासतन दर्ज हो गई है क्योंकि वह नॉर्मल प्रोसीजर है कि किसी जो खाता धारक है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी विरासतन चढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद उस विरासतन दर्ज होने के बाद जो व्यक्ति के जिसमें नाम में विरासतन दर्ज हुई थी उसने किसी अन्य थारू को वो जमीन विक्रय कर दी और उसकी मानसाप्ति भी करवा ली है। उसका कहना है कि मेरा यहाँ पर कब्जा है और मुझे 38 लाख का चेक इन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया और जब वो बैंक में गया तो उस अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, उसे एक तरह से ठग लिया गया। उसी समस्या को लेकर मेरे पास आए थे तो हमने उनको कहा कि इसमें जाँच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की। अब खबर किच्छा से है, जहां किच्छा कोतवाली क्षेत्र के खुरपिया में बाइक सवार दो बदमाशों ने अज्ञात कारणों के चलते एक युवक पर फायर झोंक दी जिसमें युवक घायल हो गया। घायल को किच्छा CSC सेंटर ले जाया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक 9 बजे मौसमी लाल निवास खुरपिया फॉर्म घर से बाहर टहल रहा था, दौरान बाइक सवार दो युवक उसके पास पहुंचे और उस पर फायर झोंक दी। पहली फायर से वो बच गया लेकिन तभी दूसरे युवक ने भी उस पर तमंचे से फायर कर दी जिसमें वो घायल हो गया। खुद बता रहे थे कि मेरी गोली लगी है, मुझे ले चलो किच्छा, गोली लगी है बचा लो मुझे। तो उनको बाइक पे बैठा कर मैं सीधे किच्छा आया सर, सरकारी हॉस्पिटल। रात में कौन पहचान रहा था रिप्लिकेट, कौन सी बाइक है, कौन सा क्या है? पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों 7 करोड़ की लागत से माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। वहीं माल रोड पर कई जगहों पर मलबे का ढेर लगा हुआ है, सभी चौक की हालत बदतर हो गई है। वहीं अपने भारत कांग्रेस से जुड़ी यात्रा को लेकर मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माल रोड की हालत को देखकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश न तो सरकार और न ही प्रशासन द्वारा माल रोड के क्षतिग्रस्त भाग के निर्माण को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। अगर सरकार और प्रशासन द्वारा 15 दिन के भीतर माल रोड को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं पूरा किया जाता तो 15वें दिन वो धरना देंगे। कार्यकर्ताओं ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया है, सब सीनियर लोग भी हैं, सब ने कहा है और ये अपमान भी है उत्तराखंड का
लोग पर्यटक क्या भावना लेकर के जाएंगे, कितना सज्जित है उत्तराखंड का पर्यटकों के स्वागत के लिए, क्या सजावट है, जगह जगह तोड़ रखी है, सारी माल रोड का कबाड़ा कर रखा है, पूरी इमेज खराब हो रही है राज्य की। हम 15 दिन का समय देते हैं, यदि 15 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर 9 बजे से रात के 9 बजे तक का धरना आयोजित करेंगे गांधी जी के लिए। और खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार की शाम रामनगर में कोची रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के एटीएम में सांप निकलने की सूचना से हड़कंप मच गया। एटीएम में तैनात सुरक्षा गार्ड नरेश डालाकोटी ने बताया कि आज शाम एटीएम में कैश निकालने आए थे, जैसे एक व्यक्ति ने अपना एटीएम कार्ड मशीन में डाला तभी मशीन के निचले हिस्से में उसे एक सांप दिखाई दिया। एटीएम के अंदर जब छानबीन शुरू की गई तो एटीएम के अंदर भारी मात्रा में सांप के बच्चे बरामद हुए। बड़ी मुश्किल के बाद 10 सांप के बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित पकड़ लिया है। स्टेट बैंक के एटीएम में सांप निकले, क्या है पूरा मामला, कितने सांप है, प्लस क्या रेस्क्यू किया? ऐसे लोग ऐसा थे, उसमें स्टेट बैंक के एटीएम में सांप निकले, जिससे हमें सूचना मिली, हम और हमारे सबको यहाँ पहुँचे। 25 को करंट 10-12 सांप के बच्चे थे, दो जबकि भागने में सफल रहे, 10 हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया, वापस ही बड़ा हड़कंप मच गया था और काफ़ी भीड़ लगी थी, जिसके उपरांत हम लोगों को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ने की तैयारी। खबर टिहरी गढ़वाल के नगर पंचायत घनसाली से है, जहां पर प्रशासन की संयुक्त टीमों ने मिलकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपना अभियान चलाया। प्रशासन द्वारा चल रहे इस अभियान का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं और तीखी नोक झोंक की स्थिति बनी हुई है। चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव घनसाली में चल रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई से वार्ड नंबर 6 के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोक निर्माण विभाग घनसाली की कार्यशैली का भी लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 के सामाजिक कार्यकर्ता विनोद लाल का कहना है कि प्रशासन के द्वारा उन्हें पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है और प्रशासन किसी भी प्रकार का जनक जवाब भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी लोगों के आसियाने ढाए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में सबसे पहली बात तो इस बात कहूँगा कि अतिक्रमण लोगों ने नहीं कर रखा है, अतिक्रमण खुद PWD कर रही इस तरीके से, क्योंकि अतिक्रमण उसे कहा जाता है कि जो दूसरे की ज़मीन को कब्जाने की कोशिश करे। PWD के पास जो ये अभी जो रोड है, इस रोड का उनके पास रजिस्ट्री नहीं है और ना ही उनके पास दाखिला खारिद है इसका, तो अतिक्रमण लोग कर रहे हैं कि PWD कर रही है, फिर अपनी डिक्टेटरशिप चला रही है कि हमारे पास ऑर्डर है हमने तोड़ दिया। हमने कहा कि भैया आप जो स्थान पे आ रखे हैं, संबंधित अधिकारी PWD हो चाहे राजस्व विभाग की टीम हो, हमने कहा आपके पास किसका ऑर्डर है, मान्य उच्चतम हाईकोर्ट का है या आपके पास मान्य जिलाधिकारी का है? उन्होंने कहा हमारे पास दोनों का ऑर्डर है। मैंने कहा पुटअप कीजिए, पुटअप कीजिए। फिर मैंने कहा कि आपकी रोड का मानक क्या है, कहाँ से आप नापेंगे, कहाँ तक है, कितने भाई चौड़ाई लंबाई आपकी है, कुछ नहीं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आप यहाँ स्थान पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए आधिकारिक नहीं हूँ। तो आधिकारिक नहीं तो आप स्पॉट पॉइंट पर आए क्यों, किसने कहा आप यहाँ पे आने के लिए? तो ये सब सीधा सीधा इसको तो मैं सरकार से भी कहूँगा कि आज एक डिक्टेटरशिप की सरकार है, जो किसी उनके लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियमावली नहीं, जो उनका बॉस कहे सीधा बुलडोजर लगा दो तोड़ दो। नहीं भैया, हमें कुछ सूचना नहीं मिली, पहले जब हमने मकान बनाया तो पहले कुछ सूचना ना तो बेचने वाले ने दी हमें सूचना, ना हमें जब हम मकान बनाए ना हमें तब मिली सूचना, हमें अभी सूचना मिलती। जब हमने मकान बनाए लिए हमें 7 साल हो गया कि गिरगांव में वार्ड नंबर 6, हमें आज अभी सूचना मिलती 7 साल बाद कि अब ये इतना जानो उतना जानो, कभी दिवाली पर वे डालना, कभी मकान का अखबार डालना नंबर कि इतना जाएगा इतना जाएगा, ये पहले बताना चाहिए था ना उनको। क्या मांग करते हैं आप सरकार? बेस सरकार से क्या मांग करना, मतलब अगर मकान की कीमत देंदा तो मकान तोड़ कर, अगर मकान की कीमत जगह की कीमत हमारे रजिस्ट्री की जगह हुए की जगह तो हमारे छा नहीं है। हमें आज ज़्यादा साल भी नहीं हुए, 7 साल हुए गए हमारे मकान गाड़े, आज इसी तरह बुलडोजर चलाना, अगर रोड कम न रोड की जगह कम न तो हमारे मकान का अगवाड़ दिख लिया, हमसे रोड अगवाड़ी भी रोड देखा कि अगवाड़ी हमारे मकान के आगे कितना रोड में है, एक गाड़ी क्रॉस होना का अगवाड़ी नहीं, जब अगवाड़ी जाम लगू तो तब पिछवाड़ जाम लग दो। वन प्रभाग क्षेत्र के चौहड़पुर रेंज में इन दिनों गुलदार की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि 6 मई को गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद वन विभाग ने गुलदार को पकड़ा तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब एक बार फिर से क्षेत्र में गुलदार के आने से लोगों में दहशत है। गुलदार ने शंकरपुर के साथ शेरपुर और बरोटी वाला गाँव में दस्तक दी है, जहाँ गुलदार ने कुछ पालतू पशु को अपना निवाला बनाया है, जिसके चलते वन विभाग ने गुलदार के संभावित ठिकानों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टीमों का गठन कर गश्त बढ़ा दी है। हाँ, चौड़पुर रेंज के अंतर्गत ग्राम शंकरपुर में एक लेपर्ड की सक्रियता बनी हुई है।
जिसके द्वारा घरेलू जानवरों को नुकसान पहुंचाया गया है। वहां पर हमारे द्वारा लगातार चार टीमें हमारी तैनात हैं वन विभाग की, जो कि लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं और लोगों को सुरक्षा देने के साथ साथ जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार गुलदार के प्रति लोग जागरूक हो सकें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। अक्सर देखा गया है जब वन विभाग के टीम के द्वारा ऐसा अभियान चला जाता है पब्लिक काफ़ी हो जाती है, क्या पब्लिक वहाँ होना बाधा होती है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि जब कभी भी लेपर्ड या किसी अन्य जंगली जानवर के लिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो देखा जाता है कि पब्लिक में एक भीड़ की तरीके से कि क्या एक्सरसाइज चल रही है उसे देखने के लिए पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि एक जंगली जानवर है और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम पब्लिक को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके के जब कभी कोई ऑपरेशन चले तो वहाँ से अपनी दूरी बनाकर रखें, जिससे कि कोई दूसरा मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति या किसी मानव पर कोई अटैक ना हो पाए जंगली जानवर द्वारा। क्या कारण होते हैं सर जो अक्सर आबादी क्षेत्र का रुख जैसे किया जाएगा? हाँ, जो जैसे वन क्षेत्र से लगे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं तो उसमें इस तरीके की घटनाएँ होती रहती हैं, उसके लिए वन विभाग द्वारा लगातार उस क्षेत्र में गश्त वगैरह की जाती है। वर्तमान प्रकरण में भी जैसे वन क्षेत्र से बाहर निकलकर गुलदार आबादी क्षेत्र में रुक कर रहे हैं तो इसके लिए वन विभाग लगातार उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और जैसे इसके कुछ और भी कारण पता चलते हैं कि गुलदार के आक्रमण करने के क्या कारण हैं या किस लिए वो आबादी क्षेत्र का रुख कर रहा है तो उसके बारे में हम लगातार वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाए हुए हैं और उसमें हमें जल्दी ही सफलता हासिल हुई। उनमें भी एक गुलदार को पकड़ा गया था, क्या ये वही है या कोई दूसरा है? हाँ, हमारे द्वारा 11 मई को एक गुलदार को रेस्क्यू किया गया था, ये उसे हमारे द्वारा चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया है। ये वाला गुलदार का प्रकरण में एक अन्य गुलदार की उपस्थिति है। क्या कहेंगे कब तक इसको रेस्क्यू किया जाएगा, कितनी टीमें इसमें लगी हुई? हमारे द्वारा चार टीमें इसमें लगाई गई हैं जो कि वहाँ के लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लेपर्ड की लोकेशन उसके पक्षी के आधार पर हम ट्रेस कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में उसकी ज़्यादा उपस्थिति है, और जल्दी ही गुलदार को वहां से रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। अभी तक की खबरों में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।